करते मौला इस हसीन चेहरे वाले का वास्ता है, सुभान अल्लाह, इस हसीन चेहरे वाले का वास्ता है जिसके चेहरे के सदके में तू बादलों को बरसाता है, सुभान अल्लाह, इस हसीन चेहरे वाले का वास्ता है जो बेवाओं की दस्तगीरी करने वाला है, यतीमों की रहबरी करने वाला है। परवरदिगार इसके सदके में पानी नाज़िल कर। रावी कहता है अपनी बच्चे को लेकर मिंबर से नहीं उतरे थे, बादल आ गए, बारिश शुरू हो गई, मुसलमानों सब लोगों ने रसूल को जब माना, जब रसूल ने कहा कि मानो, लोगों ने रसूल को जब माना, जब चांद के टुकड़े किए गए, मुर्दों को जिंदा किया गया। खुदा की इज्जत की कसम है, अबू तालिब की वो साथ है जिन्होंने रसूलुल्लाह को 2 साल की उम्र में माना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 2 साल की उम्र में माना है। बात हासिल कलाम को सुन रहे, सुभान अल्लाह भेज, सुभान अल्लाह, बात हासिल कलाम की तरफ मैं ले जाऊं, उनके शाह हजरत अबू तालिब यमन की तरफ हजरत अबू तालिब जा रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक का 7 साल, इतने लागू थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू तालिब के, इतनी मोहब्बत करते थे, दस्तर घर में बिछाया जाता था, हजरत अबू तालिब के घर में किसी बच्चे की मजाल नहीं थी, किसी की मजाल नहीं थी, तो एक निवाला भी उठा लेता अबू तालिब, कहते रुको अभी खाना शुरू मत करो, खाना शुरू मत करो, कहा बाबा क्यों, कहा कि जिस जिस दस्तर पर मोहब्बत नहीं होते उस पर बरकत नहीं होती। अरे हुजूर जब तक नारे निवाले नहीं खाते थे, ये मोहब्बतों का आलम था, ये हकीकतों का आलम था। हुजूर अलैहिस्सलाम आकर अर्ज करते हैं, चाचा आप यहां से आ रहे हैं, शाम जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले करते हैं। अब चाचा को मोहब्बत ही ऐसी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रसूलुल्लाह का हाथ हजरत अबू तालिब के हाथ में दिया था, कहा कि ये मोहब्बत है, ये इस वक्त के नबी आखिरुल ज़मान है, इनकी परवरिश करना, इनको संभाल कर लेकर जाना। वालिद की वसीयत ले लिए साथ, मुल्क शाम पहुंचे, एक ख्याल के नीचे पड़ा हो डाला, तेजी के साथ अर्ज करता हूँ कि सुन रहे सुभान अल्लाह के, सुभान अल्लाह, तेजी के साथ जा रहा हूँ, राही खड़ा हुआ था, उसने तमाम की दावत पूरे गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सामान के पास बैठे हुए हैं, सबको रसूलुल्लाह की जात पर भरोसा था, हुजूर साजिब और अमीन थे, 8-10 साल की उम्र में भी मक्के वाले आपको साजिब और अमीन मान रहे, साजिब और अमीन मानते थे, पूरे गए, भाई किधर देखा उधर देखा, बोले कि सवार है, आ गया सवार है, पूरा काफिला आ गया, आ गया, बोले वो छोटा सा बच्चा वो नहीं दिख रहा है, कहा कि वो मोहम्मद है, वो वहां पर सामन की इबादत कर रहे हैं। राहिब ने कहा ये कैसी बात है, बारा भूली आ गई, भूला पीछे में, दावत तो उसी की मैंने की थी, उसी के लिए की थी, कहा कि क्या मसला है, कहा कि मैं बाला खाने पर खड़े होकर देख रहा था, ये चर्च जो है इसी बुनियाद पर बना हुआ था, इसके सामने जो दरख्त है, तभी आखिर उस जमा आके उसके पीछे बैठे थे, वो हरा भरा हो जाएगा, देख रहा हूँ सामने के ऊपर बादल का टुकड़ा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया गया, हजरत अबू तालिब से राहिब कहने लगा, अबू तालिब आप इजाजत दो, तो इनकी पुश्ते मुबारक देखो, कपड़े को उसने हटाया, अल्लाह के नबी के और नबूवत को पहचान लिया, चौंक कर कहा अबू तालिब क्या तुम्हें मालूम है ये कौन है, कहा तू बता ये कौन है, कहा कि ये नबी है आखिरुज़्ज़मा है, अबू तालिब क्या तुम्हें मालूम है ये कौन है, कहा बता, कहा कि ये नबी है आखिरुज़्ज़मा, मोहम्मद इनका नाम है, ये यतीम है, कहा कि और बता तूने ये इल्म कहाँ से हासिल किया, तो कहा कि मैंने इंजील में पढ़ा है, हमारी किताबों में पढ़ा है कि नबी ऐसा होगा, उसकी शान ऐसी होगी, तमाम चीजें मैंने किताबों में पढ़ी है, आप इस बच्चे को उनके शाम से तेजी के साथ मक्के ले जाइए, क्योंकि यहूदियों को मालूम है कि मोहम्मद पैदा हो चुके हैं। हजरत अबू तालिब ने कहा तो किताबों से जानता है कि ये नबी है, ये तो पैदा ही है।